छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ वासियों को स्थापना दिवस की बधाई दी। राजभवन में आयोजित ओपन हाउस कार्यक्रम में वो आम लोगों से मिली। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक वो आम लोगों से मिल रही हैं। इनमें नेता से लेकर स्कूल स्टूडेंट्स और महिलाएं भी शामिल हैं। प्रदेश भर के अलग अलग वर्गों के लोग यहां उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। इस मौके पर हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा से खास बातचीत में उन्होंने छत्तीसगढ़ वासियों की सादगी, अपनेपन, लोक कला और संगीत की तारीफ की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश वासियों को नो पॉलिथीन स्टेट और फिट इंडिया का संकल्प लेने की बात भी कही। राजभवन में ओपन हाउस का आयोजन किया गया है। मैडम राज्यपाल सामान्य लोगों से सामान्य तरीके से मिल रही हैं और अपने अपने तरीके से लोग उनको कुछ उपहार भी दे रहे हैं, गुलदस्ता भी दे रहे हैं और अपनी जो आस्था है उनके प्रति प्रकट कर रहे हैं। तो आज अगर राज्य स्थापना दिवस है, क्या संदेश देना चाहेंगे छत्तीसगढ़ के वासियों को? छत्तीसगढ़ वासियों को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ आज इस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कि वो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए सब लोग एक संकल्प लें कि एक स्वच्छता का ये कार्यक्रम चलाएं अपने अपने क्षेत्र में, अपने घरों में, मोहल्लों में। और दूसरी बात है कि पॉलीथीन का भी जो है लोगों से जागरूक करें कि पॉलीथीन स्वास्थ्य के लिए कितना नुकसानदायक है। और इसके साथ साथ एक फिट इंडिया का जो अभियान हमारे प्रधानमंत्री जी ने चलाया है, तो उसमें मैं यही कहूँगी कि छत्तीसगढ़ वासियों के लिए कि अगर जीवन को और अच्छा जीवन जीना है और कुछ करना है समाज और देश के लिए, तो इसके लिए स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ की सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगती है? छत्तीसगढ़ के लोगों की सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगती है जो आपको भा गई है? मेरे को सबसे अच्छी चीज़ तो ये लगती है कि यहाँ के लोग मन के बहुत साफ हैं और एक अपनापन नज़र आ रहा है मुझे। हर व्यक्ति मुझे ऐसा लगता है कि वो अपना है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ अलग अलग कलाकृति हैं, कला कारीगर भी हैं और बहुत हमारी देश विदेशों में भी और हमारे हिंदुस्तान में भी हमारी छत्तीसगढ़ की चीज़, चाहे वो कोसा की साड़ी हो या पीतल से बनने वाले वो तमाम सारे ऐसे मतलब चित्र हैं और पेंटिंग्स भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और दूसरी बात है संगीत है, मैं वास्तव में बता रही हूँ यहाँ का जो संगीत में सुनती हूँ और गाने की जो गीतों में जो एक भावना है छुपी हुई जो दिल को छू देती है एक भावनात्मक रूप से, और जो संगीत और गाने के अंदर, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये थी अनुसुईया उइकेय जी, उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ लोगों का अपनापन, छत्तीसगढ़ लोगों की सादगी उनको भाती है और ऐसा लगता है कि वो अपनों के ही बीच में है। और राज्य स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि नो पॉलिथीन का उन्होंने संकल्प लिया और फिट इंडिया का संकल्प लेने की बात उन्होंने छत्तीसगढ़ वासियों से की है। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। स्थापना दिवस की बधाई दी। राजभवन में आयोजित ओपन हाउस कार्यक्रम में वो आम लोगों से मिली। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक वो आम लोगों से मिल रही हैं। इनमें नेता से लेकर स्कूल स्टूडेंट्स और महिलाएं भी शामिल हैं। प्रदेश भर के अलग अलग वर्गों के लोग उनसे मिलने पहुंचे हैं। इस मौके पर हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा से खास बातचीत में उन्होंने छत्तीसगढ़ वासियों को की सादगी, समर्पण और लोक कला और संगीत की तारीफ की। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को नो पॉलिथिन स्टेट और फिट इंडिया का संकल्प लेने की बात भी कही। राजभवन में ओपन हाउस का आयोजन किया गया है। मैडम राज्यपाल सामान्य लोगों से सामान्य तरीके से मिल रही हैं और अपने अपने तरीके से लोग उनको कुछ उपहार भी दे रहे हैं, गुलदस्ता भी दे रहे हैं और अपनी जो आस्था है उनके प्रति प्रकट कर रहे हैं। तो आज अगर राज्य स्थापना दिवस है, क्या संदेश देना चाहेंगे छत्तीसगढ़ के वासियों को? छत्तीसगढ़ वासियों को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ आज इस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कि वो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए सब लोग एक संकल्प लें कि एक स्वच्छता का ये कार्यक्रम चलाएं अपने अपने क्षेत्र में, अपने घरों में, मोहल्लों में। और दूसरी बात है कि पॉलीथीन का भी जो है लोगों से जागरूक करें कि पॉलीथीन स्वास्थ्य के लिए कितना नुकसानदायक है। और इसके साथ साथ एक फिट इंडिया का जो अभियान हमारे प्रधानमंत्री जी ने चलाया है, तो उसमें मैं यही कहूँगी कि छत्तीसगढ़ वासियों के लिए कि अगर जीवन को और अच्छा जीवन जीना है
और कुछ करना है समाज और देश के लिए तो इसके लिए स्वच्छ रहना, स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ की सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगती है, छत्तीसगढ़ के लोगों की सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगती है जो आपको भा गई है? मेरे को सबसे अच्छी चीज़ तो ये लगती है कि यहाँ के लोग मन के बहुत साफ हैं और एक अपनापन नज़र आ रहा है मुझे। हर व्यक्ति मुझे ऐसा लगता है कि वो अपना है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ अलग अलग कलाकृति है, कला कारीगर भी हैं और बहुत हमारी देश विदेशों में भी और हमारे हिंदुस्तान में भी हमारी छत्तीसगढ़ की चीज़, चाहे वो कोसा की साड़ी हो या पीतल से बनने वाले वो तमाम सारे ऐसे मतलब चित्र हैं और पेंटिंग्स भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और दूसरी बात है संगीत है, मैं वास्तव में बता रही हूँ यहाँ का जो